ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਚੈਂਬਰ ਔਰ ਸ਼ੇਖ ਇਰਫਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਤਹਾਈ ਮਸ਼ਕੂਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਹੌਰ ਚੈਂਬਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੈਂਬਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ असी लाहौर चैंबर पाकिस्तान चैंबर और सदर शेख इरफान साहब के शुक्र गुजार हाँ जिन्होंने ट्रांसपोर्ट खुलवा दी है। मेरा नाम तनवीर अहमद जाट है, मैं सेक्रेटरी जनरल हूं पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन का। सबसे पहले तो मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स FPCCI के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं मियां अंजम निसार साहब, पियाफ के चेयरमैन साहब और प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जनाब शेख इरफान इकबाल साहब का मैं इंतहाई मशकूर ममनून हूँ। मैं ट्रांसपोर्ट बरदरी की तरफ से अपनी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट को रवान दमा रखने में मुल्क के इस जो बड़े खतरनाक हालात थे कोरोना की से, इस दौरान में गुड्स ट्रांसपोर्ट को चलवाने में ये पहिए को रमा दमा रखने में अपना अहम किरदार अदा किया है। और जो हमारे इस कोरोना लॉकडाउन की वजह से जो हमारे मसाइल थे उनको हल करवाया है। नंबर एक, जो फिटनेस हमारी एक्सपायर हो चुकी थी उनका जो फाइन था वो उन्होंने ख़त्म करवाया है। इसके अलावा एक वक्त में एक कोड पर जुर्माना करवाने का नोटिफिकेशन एडिशनल IG पंजाब से करवाया है। इसके अलावा सबसे अहम बात कि उन्होंने हमारे ड्राइवर्स की सफ़ेद पोशी को भी कायम रखा, उनका जो एक सोशल स्टेटस था उसको भी बरकरार रखा और उनकी माली मामूनत भी की। ये मैं इसका आई विटनेस हूँ। खुदा ताला उनको अजर अजीम अता फरमाए, पियाफ के चेयरमैन साहब को और बाकी सारी कबीना को। कोरोना वायरस की वजह से जब लॉकडाउन हुआ तो वजीर आजम साहब ने बड़ा वाजह ऐलान किया कि गुड्स ट्रांसपोर्ट पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, मगर बहुत सारे अब हाम रह गए, हमारी ट्रांसपोर्ट को भी बंद कर दिया गया। मुझे चूंकि जनाब शेख इरफान इकबाल साहब ने ट्रांसपोर्ट स्टैंडिंग कमेटी का कन्वीनर बनाया है, मैंने लाहौर चैम्बर से रजू किया और जनाब शेख इरफान इकबाल साहब ने और उनकी टीम ने CM साहब से बात करके PM साहब से बात करके गुड्स ट्रांसपोर्ट को रमा दमा रखने में और हमारे कारोबार को ओपन करवाने में पहिए को चलाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। ये मैं समझता हूँ कि उनका एक बड़ा तुआमन है ट्रांसपोर्ट बरदरी के साथ और अपने मुल्क की आवाम के साथ। अगर ये हमारा पहिया ना चलता तो आज जो फूड आइटम्स हैं, जान बचाने वाली अदवियात हैं और अशिया जरूरियाँ हैं वो आवाम तक ना पहुँचती, तो इसका जो क्रेडिट है वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेजिडेंट जनाब शेख इरफान साहब को जाता है। असी लाहौर चैंबर ऑफ पाकिस्तान और शेख इरफान इकबाल साहब के इंतहाई मशहूर हाँ ताड़ी ट्रांसपोर्ट खुलवा दी है और इन्ना करोना की वजह तो जो माशी हालात खराब हो गए हैं साढ़े नाल उन्होंने बहुत तावन किया, तो असी दिल दियाँ अथाह गहराइयां दे नाल उन्होंने शुक्रिया अदा करने हैं। मैं चेयरमैन पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट काउंसिल तनवीर खान शुक्रगुजार हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का और पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, हमारे इसके साथ साथ शेख इरफान इकबाल साहब का जिनकी काविशों से हमारे कारोबार दोबारा खुले, कोरोना की वजह से बंद किए हुए थे, जो हमारे ड्राइवर साहिबान मकैनिक और कंडक्टर ये सारे डेली वेजेस लोग थे, इनका लॉस हो रहा था ना जाहरा ये कारोबार बंद थे, तो शेख इरफान इकबाल साहब की काविशों से ये कारोबार जो है हमारा दोबारा रवा दवा हुआ। ये कोरोना की वजह से कारोबार ना खुले हुए थे ना बंद थे, तो ये शेख इरफान इकबाल साहब ने हमें ये राह दिखाई है कि जी आप जो सेफ्टी मेजर उनको मद्देनजर रखते हुए आप अपने कारोबार
जो है उनको खोलें, ड्राइवर कंडक्टर मास्क सैनिटाइजर सारा कुछ देकर आप अपने स्टाफ को जो है वो काम पे भेजें। हम उनके बहुत मशहूर हैं लाहौर चैम्बर के और पाकिस्तान चैम्बर के और शेख इरफान इकबाल साहब के, जिनकी कायदाना सलाहियतों से ये हमारा काम दोबारा चला। हम सिक्योरिटी मेजर को मद्देनजर रखते हुए हम सारी चीजें अपने स्टाफ को मुहैया कर रहे हैं और हमारा स्टाफ जो है इनको जो भी गवर्नमेंट के सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको लेकर काम कर रहे हैं और हम बार बार जो है ना शुक्रिया अदा करते हैं इरफान इकबाल साहब का, जिनकी काबिशों से ये सारा पाकिस्तान पूरे का जो काम है वो खुल गया है। गुड्स एंड पब्लिक, जो दवाइयों की फैक्ट्रियां थी, जो फूड की फैक्ट्रियां थी, वो खोल के उनके मुलाजम उनके मजदूर वो भी जा रहे हैं और हम भी गवर्नमेंट के एसओपी को जो है ना फॉलो कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट का, खासकर जो ट्रांसपोर्ट का काम है उसमें स्टाफ और गुड्स, इसके बगैर ना तो आ सकता था खाने पीने की कोई इशा, ना आ सकती थी दवाइयां, ना कोई और चीजें आ सकती थी। ऐसे ही जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये जो लेने थे हमने अपने मजदूर वर्कर इंजीनियर, वो सारे जो है ना गाड़ियों में सफर कर रहे हैं और सेफ्टी मेजर का ख्याल रखा हुआ। साडा काम महीने डेढ़ महीने तो बंद सी जी, घर के चूल्हे बंद सी, बड़े परेशान सी असी ड्राइवर भरा सारे। शेख इरफान साहब ने साडा तावन किया, साडा काम चलाया, सानू अगर वो कड़ा 12,000 रुपया हुकूमत की तरफ तो लभदा पिया सी, वो भी सानू नहीं लभ्या, साडा उहदे नाल इंतजाम नहीं चल सकदा सी। लाहौर चैंबर ते पाकिस्तान चैंबर दे शुक्रिया अदा करदे हां। असी लाहौर चैंबर, पाकिस्तान चैंबर और सदर शेख इरफान साहब के शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने ट्रांसपोर्ट खुलवा दी है। 2 महीने हो गए असं बैठे चूल्हे बंद करके। तनवीर खान का भी अल्लाह उनकी जिंदगी का तंदुरुस्ती हो सकता, परेशान नहीं होना, थानू रिजक रब देने वाला है तो मैं थोड़े नाल हाँ। तो लाहौर चैंबर की वजह से सानू माशाल्लाह दोबारा फिर साड़ी गड्डियां चलन शुरू हुई तो उन्होंने मेहरबानी साढ़ा नंबर दोबारा रिजक मतलब सिलसिला साढ़ा फिर दोबारा चल पाया तो ये बहुत बहुत शुक्रिया लाहौर चैंबर की वजह से सानू माशाल्लाह ये मिला दोबारा। कोरोना वायरस की वजह से हमारे और लॉकडाउन की वजह से हमारे घर के जो चूल्हे थे वो बंद हो गए थे और जो माशी हालात थे वो काफ़ी ख़राब हो गए थे और हम बहुत शुक्रगुजार हैं ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कि उन्होंने हमारे गरीबों की मदद की है। लाहौर चैम्बर, पाकिस्तान चैम्बर।